हेलो फ्रेंड्स, आई एम नीलेश और मैं आप सबका स्टडी शार्प 360 में स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि IBPS RRB का क्लर्क का जो प्रीलियम्स है उसका कट ऑफ कितना गया है, और उसमें जो लास्ट शिफ्ट थी जिसमें रॉन्ग पजल आया था उसमें नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से हुआ है। ओके, ये सब हम इस वीडियो में ज़रूर देखेंगे। तो सबसे पहली इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो लास्ट शिफ्ट थी जिसमें बच्चों के साथ मतलब बोल रहे थे सब कि रॉन्ग पजल थी, और रॉन्ग ही थी पजल, उसमें कोई वैसी हैरान करने की बात नहीं है, क्योंकि जो रॉन्ग पजल थी उसका एक वीडियो मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है कौन सी रॉन्ग पजल थी, उसकी लिंक भले भी मैं नीचे पिन कर दूंगा। तो सवाल ये उठता है कि नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से किया गया है। तो वो जो रॉन्ग पजल था वो था 5 मार्क्स का, पर रीजनिंग का जो सेक्शन है उसमें 5 मार्क्स किसी को नहीं मिले है उसके, पर नॉर्मलाइजेशन हुआ है। तो वो किस तरीके से हुआ है, तो मान लीजिए कि रीजनिंग का सेक्शन है तो उसमें मान लीजिए 40 में से वो 5 तो छोड़ी दिए जाए, तो किसी को अगर समझ लीजिए 33 या 34 इस तरीके के अटेम्प्ट किए हुए हो और पूरे एक्यूरेट हो, तो फिर उसको करीब करीब 3 मार्क्स जो है वो एक्स्ट्रा दिए गए हैं। पर जो मैथ्स का सेक्शन था उसमें भी 40 में से जिनका मतलब 30 के करीब हुआ है अटेम्प्ट सही, उनको भी 32 के करीब स्कोर आया है, मतलब 2 मार्क्स एक्स्ट्रा मिले है। तो मतलब IBPS ने नॉर्मलाइजेशन तो किया है, पर उन्होंने ये बात नहीं सोची कि बच्चों का जो मतलब 5 मार्क्स का पजल था तो ये पूरे 5 मार्क्स रीजनिंग में नहीं दिए है, 2 या 3 इस तरीके के मार्क्स ही मिले, या फिर हो सकता है किसी को 4 भी मिले हो जिसने 35 अटेम्प्ट किए हो बराबर उसको, पर 5 मार्क्स किसी को भी नहीं मिले। पर मैथ्स में बच्चों के प्रश्न छूट गए थे टाइम जाने की वजह से, तो उसकी वजह से मैथ्स में 1, 2 या फिर 3 मार्क्स एक्स्ट्रा के मिले हैं बच्चों को। तो राउंड फिगर करके बच्चों को मैथ्स और रीजनिंग इन दोनों जो सेक्शन से उसमें 2 से 3 मार्क्स मिले हैं, पर लास्ट शिफ्ट वाले जो बच्चे थे जो ये 5 मार्क्स का पजल जो था वो एकदम आसानी से सॉल्व करके आगे बढ़ सकते थे और वक्त बचा सकते थे, उनका जरूर नुकसान इससे हुआ है। जिसका प्रीलियम्स क्वालिफाई हुआ है उसको तो मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, पर बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनका कि 0.25 मार्क्स से छूट गया है रॉन्ग पजल की वजह से, क्योंकि ये 5 मार्क्स तो मिलने ही चाहिए थे, मतलब रीजनिंग में पूरे 5 मार्क्स नहीं दिए गए हैं रॉन्ग पजल के बावजूद, सिर्फ 2 से 3 ही मार्क्स मिले, पर मैथ्स में भी 2 से 3 मार्क्स मिले। तो जो मतलब टाइमिंग जिसने ज़्यादा ख़राब किया होगा उस रॉन्ग पजल के ऊपर वो सब फंस गए हैं। पर ये जो रॉन्ग पजल है उसकी बात अगर ऐसी है कि जिन बच्चों को शुरुआत में मतलब स्टार्टिंग में ही वो रॉन्ग पजल आ गया होगा वो सब फंस गए, पर जिनको ये रॉन्ग पजल आखिर में आया होगा सबसे आखिर में वो बच गए। तो वैसे में तो मतलब लक फैक्टर भी थोड़ा सा मैटर करता है। बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि जिन्होंने 65 के करीब अटेम्प्ट किए हुए थे, उनके मार्क्स आए 70 के करीब, पर ऐसे भी बच्चे जिनके मतलब 1 या 2 ही मार्क्स बढ़े हैं, तो जिनका 1 या 2 ही मार्क्स बढ़ा है वो ऐसा समझ लीजिए कि उनके कहीं ना कहीं मतलब 2-3 प्रश्न गलत हुए होंगे। पर जिनकी एक्यूरेसी 100% है उनकी मैं बात कर रहा हूँ, जिसने मतलब 68 के करीब मार्क्स हो तो उसको 73 के करीब स्कोर आया है, मतलब दोनों सेक्शंस में राउंड फिगर करके 2-2, 3-3 मार्क्स बढ़े। पर जिन्होंने ज़्यादा टाइम वेस्ट किया होगा वो तो ज़रूर फंस गए इसके ऊपर। अगर मतलब
सिर्फ कहने का मतलब ये है मेरा कि जो 5 मार्क्स का पजल था वो पूरे के पूरे 5 मार्क्स नहीं दिए गए, ज़्यादा से ज़्यादा 3, या फिर हो सकता है कि किसी को 4 भी मिले हो जिसने 35 सॉल्व किए होंगे, उसको 3 मार्क्स मिले हैं, 34 वालों को भी 3 मिले ऐसा मुझे पता चला है। पर मैथ्स के सेक्शन में भी दो दो के करीब 2 से 3 मार्क्स जो है वो बढ़े जी, अटेम्प्ट्स को देखते हुए, मतलब 30 अटेम्प्ट्स वालों को 2 मिले, 33 34 वालों को 3 के करीब मिले, इस तरीके से। ओके, तो अगर हम बात करें कि कट ऑफ क्या है, तो फिर ये ऑफिशियल कट ऑफ है आरआरबी का, क्लर्क का जो प्रीलिम्स हुआ था उसका। आंध्र प्रदेश का कट ऑफ गया है ये 71.5, बिहार का गया है 74.25, हरियाणा का गया है 76, कर्नाटक का गया है 65.25, एमपी का 68.25 गया है, महाराष्ट्र में 69.25 गया है, राजस्थान का गया है 75.25, तमिलनाडु का 68 के करीब गया है, यूपी का 74 और वेस्ट बंगाल का 74.75। वैसे ये कोई मतलब ऑफिशियल कट ऑफ, मतलब ये वो कट ऑफ नहीं है जो कि आईबीपीएस की तरफ से पेश किया गया है, ये वो कट ऑफ है जो कि मेरी जिनके साथ मतलब कुछ बच्चों के पास से मुझे पता चला है। ओके, और इसमें कैटेगरी मेंशन नहीं है, क्योंकि कैटेगरी कौन सी है ये मुझे भी पता नहीं है अभी तक। मतलब कैटेगरी वाइज कट ऑफ जो है वो तो जिसको जिसने जिस स्टेट से फॉर्म पर फिलअप किया होगा उसको ही पता होगा। मतलब मान लीजिए किसी ने आंध्र प्रदेश से एग्ज़ाम दिया होगा, तो उसको उसकी कैटेगरी में क्या कट ऑफ लगा है ये दिया होगा। पर अगर कट ऑफ की अगर हम बात करें, तो फिर 2018 में जो कट ऑफ था पिछले साल, वो कट ऑफ और ये कट ऑफ इसमें ज़्यादा डिफरेंस तो है नहीं। जो डिफरेंस है वो सिर्फ एक मतलब 0.25 या 0.5 ऐसा ही है, आसपास ही है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया है मतलब जो पिछले साल का कट ऑफ था प्रीलिम्स का उससे। पर यहाँ पर जो नॉर्मलाइजेशन हुआ है उसमें आपको क्या लगता है क्या नहीं, उसके ऊपर आप राय जरूर दीजिए, क्योंकि बहुत से बच्चों के मुँह से मैंने ऐसा सुना कि 0.25 से छूट गया, प्रॉपर नॉर्मलाइजेशन नहीं किया गया, जो मार्क्स थे 5 मार्क्स की पजल आसानी से सॉल्व हो सकती थी वो 5 मार्क्स तो गए ही गए, मैथ्स के भी कुछ प्रश्न छूट गए और रीजनिंग में पूरे 5 मार्क्स नहीं दिए गए पजल के। तो मतलब मैथ्स में जो दो तीन प्रश्न छूटे होंगे उसके तो मार्क्स मिल गए बच्चों को, पर रीजनिंग में किसी को भी 5 मार्क्स रॉन्ग पजल के नहीं दिए हैं। और वो रॉन्ग पजल क्या थी वो अगर आपको नहीं पता होगी तो वो नीचे मैंने कमेंट सेक्शन में पिन की हुई है, वो आप देख लीजिए। और उसके अलावा आप ये जो कट ऑफ है उसमें सभी स्टेट्स के कट ऑफ नहीं है, तो आप अपने स्टेट का क्या कट ऑफ गया है वो नीचे कमेंट में डाल दीजिए, क्योंकि आपने तो अपना रिजल्ट देखा होगा तब आपको पता चला ही होगा। उसके अलावा आप अगर फोर्थ शिफ्ट से थे मतलब लास्ट शिफ्ट से, तो फिर आपके कितने अटेम्प्ट्स थे और कितना स्कोर आया है वो भी आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। और ये जो नॉर्मलाइजेशन हुआ है वो किस तरीके से हुआ है, मतलब उसके बारे में आपकी क्या राय है, इससे क्या किसी को क्या फ़ायदा हुआ है क्या नुकसान हुआ है, इसके ऊपर भी आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में अपनी जो प्रतिक्रिया है वो व्यक्त कीजिए। और ये जो वीडियो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक आप शेयर जरूर कर दीजिए। और हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही, अब अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।